एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप नेपाल में अस्थायी रूप से अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, आप क्या कर सकते हैं। देखिए सर, दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडियन नागरिक होने के नाते सबसे पहले आपको इंडिया के जो एम्बेसी होते हैं, जो राजदूतावास होते हैं, उस दूतावास में आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना होगा जिसको इंडियन एम्बेसी इशू करता है। तो काठमांडू में ये एम्बेसी कहाँ पर स्थित है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है और क्या क्या प्रोसेस है एम्बेसी के कार्ड बनवाने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको लैंचोर में जाना होगा। लैंचोर एक जगह का नाम है काठमांडू में, जो आप इस वीडियो के थ्रू देख पा रहे होंगे। लैंचोर पहुंचने के बाद में वहां आप देखेंगे एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा। बिल्डिंग में होटल एम्बेसडर स्थित है, उस बिल्डिंग में होटल एम्बेसडर है। उसके ठीक बगल के रास्ते से आपको निकलना है। लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर जब आप जाएंगे तो वहां पर होटल एम्बेसडर 200 से 250 मीटर की दूरी पर जब आप जाएंगे तो वहीं पर है इंडियन एम्बेसी का कार्यालय ऑफिस। तो कार्यालय में आपको जा कर के पहले तो आप अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 2 या 3 दिन का समय लगेगा। वहीं पे नंबर रहता है, वहाँ के नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या मैनेजर डिस्क्रिप्शन में आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंडियन एम्बेसी का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर ले, ईजी रहेगा। और जिस दिन का आपको समय मिल रहा है उस दिन ठीक टाइम पे आ जाए, उस दिन सही समय पर आ जाए बेहतर होगा। सुबह 7 बजे से लंबी लाइनें लग जाती है वहाँ पे अपने अपने काम के लिए। तो अब ये देखिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, उसके साथ 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेंगे। और यहाँ आप काठमांडू में किस घर में रह रहे हैं, उस घर मालिक का, मकान मालिक का, यहाँ का जो नागरिकता होता है जिसको परिचय पत्र जो बोलते हैं, तो यहाँ काठमांडू में उस चीज़ को नागरिकता बोला जाता है। तो नागरिकता का फोटोकॉपी आपको अनिवार्य है, उसका दोनों साइड का आप फोटोकॉपी ले लें एक प्रति। और जिस मकान में आप स्टे कर रहे हैं, हाल ही में दिया गया बिजली बिल या जो पानी कनेक्शन का बिल है, उस बिल का आपको फोटोकॉपी लगा। बस डॉक्यूमेंट के नाम पर यही तीनों चीज़ लगते हैं। डॉक्यूमेंट के नाम पर बस आपको यही 3 चीज़ देना है। फर्स्ट हो गया आपका वोटर आईडी कार्ड, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद में आपको मकान मालिक का एक सिटीजनशिप का फोटोकॉपी होना चाहिए। उसके बाद में पानी और बिजली का बिल, ये दोनों में से कोई एक भी चलेगा, उसका करेंट का बिल होना चाहिए जो हाल ही में उसे दिया गया हो। फिर आप एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कुछ इस प्रकार आता है, फॉर्म फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद में सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में आपको 2 या 3 दिन के अंदर में, या हो सकता है अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हो तो आपको सब पेपर सबमिट करने के कल होके भी मिल सकता है। हो सकता है आपको पेपर सबमिट करने के कल ही मिल जाए, या 1 या 2 दिन के समय में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। आप क्या क्या कर सकते हैं इस एम्बेसी के कार्ड से, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करने की अनुमति मिलती है आपको नेपाल सरकार के द्वारा, ये सब मैं आगे जानकारी दूंगा। और रही बात इसकी वैलिडिटी की, तो जब आपको इशू कर दिया जाएगा इंडियन एम्बेसी कार्ड, जब आपको इशू कर दिया जाता है तो उसके 3 साल तक आप नेपाल में मतलब कानूनी तरीके से रह सकते हैं। वैसे तो नेपाल और भारत में इतनी गहरी मित्रता है, यहाँ के नेपाल आते हैं, नेपाल के लोग भारत जाते हैं कमाने के लिए, हो रोजी रोटी से लेकर रोटी बेटी तक का संबंध है। तो इसीलिए आपको अगर डॉक्यूमेंट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पर कुछ खास दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा बड़े लेवल पर, जब हाई लेवल पर आपको कोई प्लान करना हो, बिजनेस करना हो, या कोई फैक्ट्री डालना हो, या गारमेंट डालना हो, तो इसके लिए आपको पहला डॉक्यूमेंट ये एकदम ज़रूरी है। और आगे इसके क्या क्या उपयोग है, सब मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।